नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की तिथि, पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को विशेष तौर पर संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस वर्ष 2020 में संतान सप्तमी का त्यौहार 25 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शंकर और गौरी माता जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और गौरी की पूजा कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। दोपहर को चौक पूरे चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्या, सुपारी और नारियल आदि से शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाने चाहिए। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करने के बाद स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद सायंकाल भगवान शिव पार्वती जी की पूजा दीप, धूप, फल, फूल और सुगंध से करते हुए भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। अब मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। ये कथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि मेरे जन्म से पहले किसी समय लोमेश ऋषि मथुरा में आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव जी को ऋषि जी ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे 7 पुत्रों को मार दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान साते का व्रत करो। माता देवकी ने पूछा, ऋषिवर, मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा नहुष था। वहाँ विष्णु दत्त नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी पर गई। वहां पर और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहां मंडप तान कर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी और रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि हम जब तक जीवित रहेंगी तब तक इस व्रत को करती रहेंगी। ये मुक्ताकरण व्रत है, सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे दोनों इस संकल्प को भूल गई। इसलिए मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कलांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। व्रत बोलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। वही प्रौढ़वस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर वह भी मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया।
रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल बांका भी ना हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणों के पुत्रों को पूजा के बहाने बुलाकर यमुना में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। प्रणाम सबरो, रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास के करने के पर भी बालक मार ना सके। ये सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे हर बार बच जाते हैं, मर नहीं रहे। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? भूषणा बोली, क्या, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि हम जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य योनि को प्राप्त हुई है। अब मुझे इस व्रत की याद हो आई थी, मैंने व्रत किया, उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी नहीं मार पाई। ये सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक ये संतान सुख देने वाला मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक पैदा हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।